राखी के धागे पर भारी पड़ा जमीन के टुकड़े का लालच, बहन के लिए जल्लाद बन गए सगे भाई, बागपत में रूह कपा देने वाली वारदात, संपत्ति के लिए तीन भाइयों ने मार डाला सगी बहन को। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक ऐसा दर्दनाक मामला सामने आया जिसे जानकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि संपत्ति विवाद में मां का साथ देने पर युवकों ने अपनी सगी बहन को जहर देकर मार डाला और चुपचाप शमशान घाट से और चुपचाप शमशान घाट ले जाकर उसके शव का अंतिम संस्कार करने की कोशिश की, लेकिन मृतक की बहनों ने शमशान घाट पहुंचकर जलती हुई चिता से बहन का शव निकालकर पुलिस को इसकी सूचना दी। इसमें उन बहनों के हाथ भी झुलस गए। इस संबंध में मां ने अपने तीनों बेटों के खिलाफ तहरीर दी। तारीख 25 दिसंबर 2017, जगह बड़ौली मोहल्ला, थाना बड़ौली, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश। ये तस्वीर है उस कविता की जो कभी अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधा करती थी और भाइयों से अपनी रक्षा की उम्मीद करती थी, लेकिन आज कविता इस दुनिया में नहीं। कविता की हत्या कर दी। कविता की हत्या के बाद सबसे बड़ा सवाल था कि हत्यारा कौन है। तो जिसने भी हत्यारे के बारे में सुना दंग रह गया। जी हाँ, कविता का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसी के तीनों भाई। ये मामला है बागपत के बड़ौली थाना इलाके के बड़ौली मोहल्ले का। दरअसल कविता नाम की एक युवती अपनी माँ और भाइयों के साथ कोतवाली क्षेत्र के बड़ौली रोड मोहल्ले में रहती थी, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और उसके बाद उसके भाइयों राजेश, राकेश और पंकज ने किसी को भनक लगे बिना और बिना बताए रात के अंधेरे में ही शव का अंतिम संस्कार करने की योजना बनाया। लेकिन इसी बीच इसकी जानकारी कविता की बहनों को लगी और वो अपनी ससुराल से वहां पहुंची और पुलिस को सूचना दी। उसकी तीनों बहनों ने जलती हुई चिता से अपनी बहन का शव निकाला। इस दौरान उन बहनों के हाथ भी जल गए। बहनों का आरोप है कि उन्हीं के भाइयों ने कविता को मारा है। उन्होंने पहले उसे कोई नशीला पदार्थ खिलाया, उसके बाद जब उसकी मौत हो गई तो उन्हें बिना बताए अंतिम संस्कार कर दिया। एक महिला कल उसको जलाने की बात आई थी, सूचना पुलिस गई थी। पुलिस ने उसको जो इसके दाह संस्कार किया वहाँ से लेकर के पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। ये लड़की अपने मायके में अपने माँ के साथ रह रही थी। भाइयों के साथ इसकी प्रॉपर्टी का विवाद था और इसकी अननेचुरल का इसकी डेथ हो गई। अब पोस्टमार्टम कराने के बाद ही पता चलेगा इसमें क्या है, लेकिन इसकी लड़की जो माँ की तरफ से 306 की एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे विवेचना कार्रवाई की जा रही है। जो सच्चाई होगी उसके अनुसार कार्रवाई होगा। दरअसल मृतक कविता बड़ौली रोड के गली नंबर 1 की रहने वाली थी। उसकी शादी साल 2008 में लोनी जनपद गाजियाबाद निवासी देवेंद्र के साथ हुई थी। शादी के ही कुछ दिन बाद से पति के साथ उसका विवाद हो गया था और वो अपनी माँ नत्थो देवी के पास बड़ौत में रहती थी। अब उसके एक बेटी भी है। इसी बीच नत्थो देवी का अपने तीन बेटों के साथ संपत्ति को लेकर विवाद हो गया और वो जबरन नत्थो देवी पर जमीन बेचने का दबाव बनाने लगी, लेकिन कविता ने इसका विरोध किया। तीनों भाइयों ने कई बार अपनी बहन को ले जाकर उसे यातनाएं भी दी, लेकिन विवाद नहीं सुलझा और बहन लगातार अपने भाइयों का विरोध करती रही। सोमवार को उसके तीनों भाई बड़ौत में उसके पास पहुंचे और बहन को मिठाई में मिलाकर जहरीला पदार्थ खिलाया। जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो उसकी माँ उसे अस्पताल लेकर जाने लगी, लेकिन उन्होंने उसे भी रोकने की कोशिश की। बाद में माँ बेटी कविता को निजी अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद तीनों भाई अस्पताल पहुंचे और मृतक बहन के शव को उठाकर आनन फानन में शमशान घाट ले पहुंचे। माँ ने इसकी सूचना अपनी तीन अन्य बेटियों को दी। सूचना पर उसकी अन्य तीनों बेटियां भी शमशान घाट पहुंची, लेकिन तब तक भाइयों ने कविता को चिता पर लिटा कर आग लगा दी थी। तीनों बहनों ने साहस कर जलती चिता से कविता के शव को खींच कर बाहर निकाला। इसमें तीनों बहन सुषमा, सुमन और कुसुम झुलस गए।
इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इसी बीच तीनों भाई वहां से फरार हो गए। मृतका की मां ने कोतवाली में अपने तीनों बेटों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। गुनाह के लिए बागपत से विश्वजीत के लिए। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।